हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा। प्रतिभा के चैनल मन भावन रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर की होममेड रेसिपी, वो भी बाजार से आधे दाम पर। घर पर कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए बहुत ही कम सामानों की आवश्यकता पड़ती है और वो घर पे आसानी से मिल भी जाते हैं। तो चलिए जल्दी से कस्टर्ड पाउडर बनाना शुरू करते हैं। वनीला कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए यहाँ पे हम टी कप से एक कप भर के चीनी लिए हैं। आप कोई भी बाउल या कप सेट कर ले और उसी से चीनी ले, चीनी ज़्यादा या कम आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं। इसी चम्मच से अगर देखा जाए तो 4 चम्मच हम मिल्क पाउडर लिए हैं। इसी चम्मच से भर के 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं। ये सारी चीज़ें बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। आप चाहे तो इन सामानों को ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम 2 पिंच लेमन येलो फूड कलर लिए हैं, इससे हमारे कस्टर्ड पाउडर का कलर बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। तो ज़्यादा ना ले, बस 2 पिंच। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस लिए हैं हम। वनीला एसेंस का यूज ज़्यादा ना करें, नहीं तो फिर ये कड़वा लगेगा। तो इसी चम्मच से भर के हम 1 चम्मच वनीला एसेंस लिए हैं। इससे हमारे कस्टर्ड का फ्लेवर बिल्कुल मार्केट की तरह से, जैसे वनीला कस्टर्ड होता है ना, बिल्कुल वैसे आएगा। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम चीनी को डाल देंगे। जो 1 कप चीनी लिए थे उसे हम डाल देंगे। इसी के साथ हम मिल्क पाउडर भी डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, एसेंस डाल देते हैं और ये फूड कलर डाल देते हैं। अब इसके कैप को बंद करेंगे और इसे 1 मिनट तक मिक्सर को चलाते हुए हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे 1 मिनट तक हमने ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए 1 मिनट के अंदर ही हमारा होममेड वनीला कस्टर्ड पाउडर बनके तैयार हो गया, वो भी बहुत ही कम सामानों में और आधे दाम पे। इसे हम पास से दिखाते हैं कि इसका कलर एक बार देखिए कितना सुंदर आया है, बिल्कुल मार्केट की तरह से, और बिल्कुल हमने फाइन पाउडर बना के तैयार कर लिया है। इस तरह का एक एयर टाइट कंटेनर लीजिए और इसमें इसे भर के बिना फ्रिज के इसे 9 महीने तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। और इस कस्टर्ड पाउडर से बहुत सारी रेसिपी आप बना पाएंगे। इस कस्टर्ड पाउडर से खंड, आइसक्रीम, कुल्फी, रबड़ी, ऐसे ही कई रेसिपी में इसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए अब हम कस्टर्ड बना के दिखाते हैं। तो उसके लिए एक बाउल लेंगे और 2 चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे ये 2 चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर डाल लेते हैं। अब हम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध लेंगे। तो 1/2 कप हम दूध लिए हैं और थोड़ा दूध डाल के इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, जिससे कोई लम्स ना रहे। कस्टर्ड पाउडर को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे दूध में, जिससे इसका सारा लम्स खत्म हो जाए। कस्टर्ड पाउडर को यहाँ पे हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है दूध में। अभी हम दिखाते हैं पास से आपको। ये देखिए बिल्कुल एक स्मूथ घोल बना के तैयार कर लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और उस पर एक पैन रखेंगे। पैन में हम काफी कप से 1 कप भर के दूध डालेंगे। आप जितना कस्टर्ड बनाना चाहते हैं उतनी दूध की मात्रा ले। तो यहाँ पे हम काफी कप से 1 कप दूध डाल रहे हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे। दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे नीचे से पकड़े नहीं। तो दूध में एक बढ़िया सा उबाल आ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, जिसे चीनी दूध में बढ़िया से घुल जाए। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे चीनी बढ़िया से घुल गई है दूध में। तो जो कस्टर्ड पाउडर का घोल बना के हम रखे थे, उसे एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो एक बार हम अच्छे से इसे चला लेंगे कस्टर्ड पाउडर को, और फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे एक हाथ से हम गिराते जाएंगे कस्टर्ड घोल जो बनाए थे, और ये दूसरी हाथ से मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को लो रखेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर इसमें लम्स बन जाएगा। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे छोड़ेंगे नहीं। पहले की अपेक्षा कस्टर्ड धीरे धीरे गाढ़ा हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कितना गाढ़ा हो गया है, और ये स्पैचुला पे कोटेड भी हो जा रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर चला लेंगे, क्योंकि पैन अभी गर्म है। अभी ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा होगा, तो इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे। और जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम फ्रिज में रखेंगे। तो इसे इस तरह से थोड़ी देर चला लेंगे और फिर इसे ऐसे खुला छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। कस्टर्ड जब थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो इसे हमने कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया था, और ये देखिए कितना गाढ़ा कस्टर्ड हमारा हो गया है, बिल्कुल मार्केट की तरह से। इसे कोई देख के कहेगा कि इसे हमने घर पे बनाया, वो भी बहुत ही कम सामानों में। और आपका जब मन हो इससे कोई भी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ कटे हुए ग्रेप्स डाल देते हैं और बनाना, और इसे हम फ्रूट कस्टर्ड के रूप में इंजॉय करेंगे। आपको जो फ्रूट पसंद हो इसमें डाल के इंजॉय कर सकते हैं।
तो एक बार आप वनीला कस्टर्ड पाउडर को जरूर ट्राई करें, और ट्राई करने पे अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।